राम राम भाइयों। अरे राम राम तो जोर से बोलो, राम राम भाइयों। सम्मानित मंच, हजारों हजारों की तादाद में यहां उपस्थित मेरे किसान भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं और बहनों, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर, आप सबसे, आप सबके सामने उपस्थित होने का। मैं तो आपका पड़ोसी हूं, यहां से 10 किलोमीटर पर मेरा चुनाव क्षेत्र शुरू हो जाता था, जसरासर से रोज मेरा काम पड़ता था, बहुत बार आया हूं, लेकिन आज इन हजारों किसानों के बीच में आने का मौका मिला और मुझे बोलने का जो वक्त दिया, मैं आभारी हूं इनका। मेरे किसान भाइयों, दो विचारधाराएं चल रही देश के अंदर, एक सच की विचारधारा चल रही है, एक झूठ की विचारधारा चल रही है। मुझे याद आ, सुन, मेरे दादा परदादा मुझे बताते थे, ये बीकानेर की जेलों में इस प्रकार कदर हमारे किसान थे, उस आजादी के दीवाने इनकलाब जिंदाबाद के अंदरों के साथ में थे, हजारों हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, ये देश आजाद हुआ इस किसान की बदौलत, इस किसान की बदौलत देश आजाद हुआ, किसान सड़क पे आ गए थे, इस प्रजातंत्र का जुनून था उनके ऊपर और प्रजातंत्र स्थापित हुआ, देश आजाद हुआ। लेकिन आज इस देश के अंदर उन लोगों के हाथ में कमान है जो झूठ की विचारधारा रखते हैं, जो झूठ के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं। आज देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण हो रहा है, लोगों, राज करने वालों की नीयत साफ नहीं है। राज करने वालों की नीयत साफ तब होती है कि जब कमजोर को ऊपर उठाया जाता है, लेकिन इस राज के अंदर कमजोर को ऊपर उठाने की बात नहीं होती है, कमजोर को कुचलने की बात होती है, कमजोर को कमजोर करने की बात होती है। और बड़े लोग हैं जो चंद लोग हैं जिनको बनाया जा रहा है अमीर, लुटाया जा रहा है खजाना, आपका खजाना, गरीब का खजाना, किसान की मेहनत का खजाना। आज किसान के ऊपर किस प्रकार से कुठाराघात हो रहा है, कमजोर करने की कोशिश हो रही है, भाषण वही झूठ का है कि हम उसी आय दुगनी करेंगे, लेकिन नीचे अंदर खाने उनकी चाल है कि किसान खड़ा नहीं हो जाए, किसान समृद्ध नहीं हो जाए, यदि समृद्ध हो जाएगा तो तुम्हारा मुकाबला कर लेगा, उनकी चाल है ये। लेकिन इस देश के अंदर कितने लोग किसानों का उन्होंने कत्ल करवाया, कितने किसानों को मरवाया, तीन काले कानून लेके आए किसान के कमजोर करने के लिए, लेकिन किसान ने कहा सड़कें लाल हो जाएंगी, लेकिन हम इन काले कानूनों को पास नहीं होने देंगे, लेकिन उनका वो कानून वापस लेने पड़े। साथियों, किसानों तक ये सीमित नहीं रहे, आपने देखा इन दिनों में इन्हीं के बनाए हुए गवर्नर सतपाल मलिक जी, अखबारों में नहीं आता, टीवी में नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया में चल रहे, आप सब लोगों ने देखा होगा कि 2014 के अंदर, इस पिछले चुनाव के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए पुलवामा में एक ऐसा कांड करवाया, हमारे 50 नौजवानों को मरवा दिया और उन्हीं के खून के ऊपर ये जो है राज के अंदर आ गए। इस प्रकार की नीति रखने वाले लोग क्या हमको, किसान को, गरीब को, मजदूर को आगे आने देंगे? सड़कों पे आना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, हौसला बढ़ाना पड़ेगा अपना। साथियों, एक तरफ झूठ, एक तरफ सत्य, राजस्थान की सरकार आपके सत्य के रूप में बैठी है, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनकी टीम, राजस्थान के सारे कांग्रेस के विधायक दिन रात इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, गरीब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। 5 साल के अंदर
जिस प्रकार का बजट दिया है इस राजस्थान को, जिस प्रकार की योजनाएं दी राजस्थान को, उसके अंदर कोई भी अछूता नहीं रहा है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, किसान हो, गरीब हो, छोटा व्यापारी हो, सबके लिए शानदार योजनाएं बनी है। किसान को कैसे लाभ मिल सकता है, ये सारी योजनाएं अशोक गहलोत जी ने आपको दी हैं। आज पूरे राजस्थान के अंदर राहत कैंप चल रहे हैं। बीजेपी को तो इसकी भी परवाह नहीं, राहत कैंपों में जाकर के कहते हैं बंद करो इन राहत कैंपों को। अरे एक तरफ गरीब की सोचने वाला और तुम कहते हो राहत कैंप बंद करो। ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से देश की लगाम असत्य लोगों के हाथ में है, यदि राजस्थान के अंदर शोषण होगा हमारे किसान का, नौजवान का, इतनी बात कहना चाहता हूं साथियों।